हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। LIC ADO का रिक्रूटमेंट भी लेटेस्ट निकला हुआ है, बहुत बड़ा बम्पर नोटिफिकेशन है। आप देखेंगे 2015 के बाद ये बड़ा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 8,500 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है। तीन कैटेगरी है, एक LIC के एजेंट्स के लिए है, 25% सीटें, 15% सीटें हैं आपके LIC एम्प्लॉइज जो मोर देन 3 इयर्स इनका सर्विस हो चुकी है LIC में, परमानेंट जॉब जो क्लास से थर्ड का जॉब एटलीस्ट हो, और एक थर्ड है ओपन मार्केट जो सिंपल ग्रेजुएट है उनके लिए 60% सीटें उनके लिए हैं। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा, जो फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, उनके मन में ये रहता है कि इसमें जो बैंकिंग सेक्टर की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर से जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK करंट अफेयर्स, इनका उनको पूरा अंदाजा है कि क्या कुछ उसमें आता है। एक उसमें जो एडिशनल है वो जो इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको लेकर क्यूरियोसिटी रहती है कि वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आते, जो बच्चे ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर NSL या LIC WO की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनको तो कुछ भी इनपुट डालने की जरूरत नहीं, बट जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कर रहे हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड हैं इसी के LIC ADO की पोस्ट के ही। तो उनको आप जैसे देखेंगे आपको लगेगा कि 10 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आई थिंक आप एक जनरल IQ इस्तेमाल करके भी 10 में से 5, 6, 7 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, CRR इन इंश्योरेंस सेक्टर मींस कैश रिवर्स रेशियो, कैश रिप्रोडक्टिविटी रेशियो, क्लेम रिप्रोडक्टिवेशन रेशियो और क्लेम रिप्रोडक्टिव रेशियो। तो ये क्या है, क्लेम रिप्रोडक्टिवेशन रेशियो, एक तरह से ये इसको दूसरे में और भाषा में कहें तो ये एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। ये किसी भी कंपनी का जितना ज्यादा, जैसे इसको CSR भी कहते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा वो आपका उतना ही अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है। जो 5-6 पैरामीटर्स अपने देखते हैं जब भी कोई नया इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, तो 5-6 पैरामीटर्स उसमें एक ये भी है CSR कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है उसका, जितना हाई है उतना ही अच्छा है। ये रेशियो बनेगा किससे, कितने क्लेम्स आपने रिसीव किए और उसमें से कितनों को आपने रिजोल्व किया, सेटल किया। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका मतलब आप ज्यादा क्लेम्स को सेटल करते हैं, और फॉर्चुनेटली LIC इस वक्त इसमें टॉप। देन आप चलिए, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट। विच कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से इनमें से कौन सी कंपनी रिलेटेड नहीं है, लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड सहारा इंडिया। तो इसमें आपको आई थिंक आइडिया होगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करना है, व्हीकल का इंश्योरेंस करना है, वो सब कौन देखता है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो सी, अगेन सी इज द राइट। इन क्वेश्चंस को जब भी आप देखें तो आप एक बार पोज करके आप पहले खुद भी करने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, विच इंडियन इज नन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, पुराना क्वेश्चन है। अब हालांकि ये आई थिंक नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन, बट ये आया था ऐसा कि किसको कहते हैं आर्किटेक्ट, तो ये है मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उनका आर्किटेक्ट। और ये कब के लिए कहा गया था, जब PV नरसिंह राव गवर्नमेंट में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, एंड यू विल वंडर कि इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एशिया के बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला था, और इनको कहा गया था कि ये जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया करंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमी रिफॉर्म रिफॉर्म्स का इनको आर्किटेक्ट कहा गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देन आगे देखिए, हु प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर फॉर कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटर का रोल प्ले कौन करता है, IBA करता है, NABARD करता है, SEBI करता है या IRDA, कौन करता है। तो ये कौन करता है कैपिटल मार्केट के लिए, SEBI करता है।
इडा के किस लिए? ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। नाबार्ड आपको ध्यान हो कि पहले तो ये आरबीआई का ही पार्ट होता था, फिर इसको अलग किया है। जो रूरल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है रूरल का मेनली, ये उसके लिए है नाबार्ड। देन नेक्स्ट देखिए, अंडर द एक्ट ऑफ लेबर एक्ट, अंडर विच ईयर चाइल्ड लेबर इज अंडर विच ईयर, कितने साल तक के बच्चे को चाइल्ड लेबर मानते हैं? तो आई थिंक ये जनरल आईक्यू का क्वेश्चन है, आप लोगों में से ज्यादातर इसको सही ही अटेम्प्ट करके आए। तो ये अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं बता दूं आपको, 14 ईयर साइज में सॉरी 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी टाइप का जॉब देना वो चाइल्ड लेबर। देन टर्म्स यूज इन फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नन एज, टर्म्स यूज इन फ्रेश इश्यू, जब कोई भी शेयर इश्यू होता है तो उसकी कोई एक टर्म है फ्रेश शेयर की, उसमें से कौन सी है? जैसे फेस वैल्यू है, कवर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू। तो आई थिंक जो भी थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट को जानता होगा उसको आइडिया होगा कि उसको फेस वैल्यू कहते हैं। क्या होता है? फ्रेश वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू। देन नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन पे, LIC अगर आपने करवा रखी है तो उसका प्रीमियम आप कहां से भर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस, नाबार्ड, RBI, पासपोर्ट ऑफिस। ऑब्वियस है, आपको पता है RBI ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, पासपोर्ट ऑफिस भी नहीं करेगा, तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है नाबार्ड से हो जाए, लेकिन आई थिंक आप नहीं होंगे। और क्या टिक करेंगे? पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बहुत, थोड़ा आप ठीक ठाक के तैयारी करें तो ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कोई अड्डा 47 की या कोई कैप्सूल वेप्सूल ले लेना, उससे प्रिपरेशन कर लेना कोई बहुत नहीं। और दूसरा, जो पिछले 6 मंथ्स का मतलब ज़्यादा आप फोकस करें तो इस 2019 पे फोकस करके, कि जो भी इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ भी चेंजेज आए हैं, कोई नया रेगुलेशन आया है, कोई नए बड़े लेवल पे चेंजेज हुए हैं, उन सबको जरूर देख लें। देन आपका पैसा आपके हाथ, स्लोगन इज रिलेटेड, ये स्लोगन किस से रिलेटेड है? स्वाभिमान, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, लाइफ इंश्योरेंस, कृषि सुरक्षा योजना। तो ये क्या है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए है ये, आपका पैसा आपके हाथ। देन आगे देखिए, विच इंटरेस्ट ए प्रोपोजर शुड हैव, विच इंटरेस्ट ए प्रोपोजर शुड हैव, किस कौन सा इंटरेस्ट को माना गया है? आप देखें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कवर इंटरेस्ट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये तो आपको पता है कि रेपो रेट होनी नहीं, रिवर्स रेपो रेट होनी नहीं। कवर इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में भी आप एक जनरल आईक्यू भी लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द राइट ऑप्शन, और यही इसका राइट ऑप्शन। देन लास्ट देखिए, व्हाट इज द यूजुअल पेड अप पॉलिसी पीरियड, यूजुअली क्या रखते हैं आप पेमेंट का? तो जो जिस भी किसी बच्चे ने ये एस्पिरेंट ने पॉलिसी वगैरह करवा रखी होगी तो उनको ध्यान है कि ज्यादातर यूं आप इसको चेंज करवा सकते हैं, नहीं कहते कि हार्ड एंड फास्ट है, बट यूजुअली क्या होता है पॉलिसी का, आपका 1 ईयर का पीरियड होता है, ईयरली आप इसको इसका जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं, उनमें जैसे आपके इस साल NICL की एग्जाम हुई है, और देन जो पिछले सालों में आपके LICW की NS, पिछले साल भी 2 या 3 एग्जाम में इंश्योरेंस से रिलेटेड थी, तो उन सब से जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बैंक सॉरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो भी न्यूज आई है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, ऐसी न्यूज जो आज भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ न्यूज़ तो क्या होती है कि करंट न्यूज़ टाइप होती हैं, जो उस पीरियड के लिए तो इम्पोर्टेंट है लेकिन बाद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। कुछ इसके इंश्योरेंस हिस्ट्री से रिलेटेड हो या इंश्योरेंस के जो टर्म्स हैं आपके उनसे रिलेटेड हो, जो आज भी रिलेवेंट है, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिल पाएंगे वो भी आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। और फिर मैं आपसे एक फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी आई है इसकी ADO की, अच्छा जॉब है,
कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ जो अपने चैनल पे भी काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ये इस जॉब में से निकाल देते हैं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये बकवास जॉब है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फील्ड जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जॉब है। डीओ की पोस्ट पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने प्रमोशन को फॉरगो कर रहे हैं ड्यू टू इंसेंटिव, उनको अपनी सैलरी से तीन तीन चार चार गुना इंसेंटिव मिल रहा है क्योंकि उन्होंने जिस स्टेशन पे वो है वो एक आराम इसमें है कि ट्रांसफर वांसफर कम करते हैं क्योंकि आपका एक बेस बन गया, आप बिजनेस दे रहे हो डिपार्टमेंट, आपको पता है आपको अगर कहीं दूसरी जगह चेंज करेंगे तो आपका जहां बेस था वो शिफ्ट नहीं होगा, लोग तो वही रह जाएंगे। काफी इसके प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा जॉब है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी इफ एंड बट की आप इसके लिए अप्लाई भी करें और जमकर इसकी प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।